नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सप्लोर मोड में। आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं शेयर्ड पावर बैंक थीम के बारे में। बेसिकली पिछले 10 दिन में मैंने 10,000 से ज्यादा रुपए अर्न करे हैं एक एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को रिसेंटली प्रोवाइड करी थी SPBDD, जिसकी थीम है बेसिकली शेयर्ड पावर बैंक करके। क्योंकि मैंने इससे इतनी ज्यादा अर्निंग करी 10 दिन के अंदर अंदर, तो मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा क्रिएट हुआ और मैंने इसके बारे में सर्च करना शुरू करा। बेसिकली ये थीम बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये डाटा प्राइवेसी को कंसर्न को लेके ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करा गया, जिसको बेसिकली बहुत ज्यादा प्रमोट करा गया है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है इसके बारे में। और लगभग 90% जो टेक कम्युनिटी है, यूट्यूब पे भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, उन्होंने भी एप्लीकेशन प्रमोट करी है। और ऑफकोर्स जब 7,000 पे सब्सक्राइबर्स पे मुझे पेड प्रमोशन मिल सकता है, तो ऑफकोर्स उनको भी मिलेगा। ये एप्लीकेशन पे इतने ज्यादा फंड्स कैसे और कैसे इतना ज्यादा पे आउट दे रही है, तो इसके बारे में रिसर्च करना बनता था और बहुत सारी चीजें मैं रिसर्च कर रहा था इसी चीज को लेकर। शेयर्ड पावर बैंक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा यूनिक है। बट जब मैंने सर्च करा तो मुझे क्या दिखता है, इसी थीम के साथ, इसी सेम इंटरफेस के साथ बहुत सारी एप्लीकेशन है। रिसेंटली एक और एप्लीकेशन जो बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही है यूट्यूब पे, वो है MI पावर बैंक। ये भी MI वालों की एप्लीकेशन है ऐसा कहा जा रहा है, बट ऑफिशियल पे कोई भी जिक्र नहीं है कि MI वालों की है। बट ये भी एग्जैक्टली सेम थीम के साथ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हो, एग्जैक्टली सेम थीम है, सेम प्लान है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एप्लीकेशन है, कॉपी पेस्ट। वहीं इसके साथ साथ जब मैंने ऐसे सर्च करना शुरू करा इसके बारे में, तो ऐसी 10-12 एप्लीकेशन और हैं जो एग्जैक्टली सेम थीम और सेम इंटरफेस के साथ हैं और सेम प्लान हैं बेसिकली। तो क्या ये एप्लीकेशन सेफ हैं, क्या ये एप्लीकेशन लेजिट हैं, सारी एप्लीकेशन क्या ये स्कैम तो नहीं है, बेसिकली बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। पॉइंट मेरा ये है कि मैंने इस एप्लीकेशन से SPBDD जो एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी, इससे मैंने पिछले 10 दिन के अंदर अंदर 10,000 रुपए अर्न कर लिए हैं, बिल्कुल लेजिट। और आप चाहो तो पेमेंट प्रूफ देख सकते हो, हर दिन का इंस्टाग्राम पे मैंने डाला हुआ है, रोजाना डाला है, अगर चाहिए हो तो वो भी आप लोग मांग सकते हो मेरे से। एप्लीकेशन बिल्कुल लेजिट है, MI पावर बैंक वाली भी यूज करके देखी, उससे भी विड्रॉ करके देखा, एप्लीकेशन बिल्कुल जेन्युइन वर्क कर रही है, वो भी पे आउट कर रही है। बट ये जो थीम है ये बेसिकली बिल्कुल लेटेस्ट थीम है, ये डाटा प्राइवेसी के कंसर्न को लेके एक थीम क्रिएट करी गई है और ये थीम को अवेयरनेस फैलाने के तहत बहुत ज्यादा स्प्रेड करा जा रहा है। बट पॉइंट मेरा ये था, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप लोगों की तरह मैं भी एक एप्लीकेशन यूज वगैरह करता हूँ, तो मेरे दिमाग में इतना ज्यादा पे आउट कैसे दे रही है इतने सारे यूजर्स को। और बहुत सारी टेक कम्युनिटी में, लगभग 90% टेक कम्युनिटी में जितने भी लोग एप्लीकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हर एक ने SPBDD जो एप्लीकेशन है, हर एक को पेड प्रमोशन मिला और हर एक ने वो एप्लीकेशन प्रमोट करी और बहुत सारे यूजर ने उससे बहुत ज्यादा अर्निंग भी करी है। तो पॉइंट मेरा ये, इतना ज्यादा पे आउट मिल रहा है ये एप्लीकेशन, इसके जैसी सेम इंटरफेस के साथ इतनी मल्टीपल एप्लीकेशन क्यों है। और यहाँ तक कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है तो मैंने यूज करके देखी, उनमें से मैक्सिमम जो एप्लीकेशन है वो अलाउ भी नहीं हुए आपके फोन में, डिवाइस में इंस्टॉल होने की गूगल की तरफ से। सिंपली ये दिखाया जा रहा है कि ये सेफ नहीं है और आपका डाटा करप्ट हो जाएगा, आपका डाटा सिक्योर नहीं रहेगा, अगर आप लोगों को फिर भी इंस्टॉल करनी है तो इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली हर एक में पूछा भी जा रहा है, सिर्फ दो ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें नहीं पूछा जा रहा है। एक है MI पावर बैंक, जो MI वालों की कही जा रही है कि MI वालों के, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी ऐसा जिक्र नहीं है इस थीम के बारे में। बट जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिक है और बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज्यादा बात भी चल रही है ऑफिशियली भी। बट ये जो SPBDD जो एप्लीकेशन है, इसमें कंपनी का कॉलम भी हटा दिया गया रिसेंटली। तो पॉइंट ये है, इस एप्लीकेशन को देख के बहुत ज्यादा डाउट मेरे मन में भी क्रिएट हो रहे हैं। पॉइंट मेरा ये है, मैंने रिसेंटली दोबारा इसमें इन्वेस्ट करे और पैसे बहुत ही अच्छे फ्लो में आ रहे हैं, पैसे नहीं रुक रहे हैं, पे आउट भी दे रही है। कब तक देगी ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो गया और बहुत, मतलब लगभग मैंने ऐसी 4 या 5 एप्लीकेशन ट्राई करी जो इंस्टॉल करी, हालांकि वो सेफ नहीं थी, सिक्योर नहीं थी, फिर भी मैंने इंस्टॉल करके देखी तो एग्जैक्टली सेम इंटरफेस और सेम थीम है, मतलब एक पॉइंट का भी फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम इंटरफेस, सेम प्लान और सब कुछ सेम है एप्लीकेशन में, हर एक में। तो पॉइंट बस मेरा ये था कि एप्लीकेशन ये बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो रही है, हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, आपको भी समझ आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट डाटा प्राइवेसी के कंसर्न को लेके है और वर्चुअल पावर बैंक है, फिजिकल फॉर्म में कैरी करने की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत जगह लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को लेकर और बहुत ज्यादा बाहर के कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा सा यूनिक वे में इसको प्रेजेंट करा गया है इंडिया में। तो मुझे कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लगा, यूनिक लगा, इसलिए प्रमोट करा था एप्लीकेशन को। बट बहुत सारे डाउन मेरे मन में भी क्रिएट हो रहे हैं, वैसे ही आपके मन में भी होंगे, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी और मैं चाहता था आप लोगों को बताना कि ऐसी एक एप्लीकेशन नहीं है, ऐसी मल्टीपल एप्लीकेशन है, 10-12 एप्लीकेशन है जो आप लोग माइंड भी अगर ट्राई आउट करना चाहो तो ट्राई आउट कर सकते हो। बट MI पावर बैंक से भी मैंने विदड्रॉ करके देखा कि वो, क्योंकि वो सिक्योर है और मेरे डिवाइस ने एक ही बारी में इंस्टॉल करने का ले लिया और कोई भी सिक्योरिटी पर्पज सिक्योर वाला कनेक्शन नहीं आया कि एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करो, क्योंकि गूगल की तरफ से वार्निंग मिलती है अगर एप्लीकेशन डाटा
करप्ट कर देती है, सिक्योर नहीं रहता उसमें डाटा। तो बाकी ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें डाटा का करप्शन दिखा रहा था कि डाटा सेफ नहीं है इसमें, तो माइट भी थोड़ा सा रिस्की फैक्टर हो सकता है इन एप्लीकेशन को लेके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है वो भी सेम इंटरफेस के साथ, सेम थीम के साथ। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, मुझे काफी अच्छा लगा था इसलिए मैंने एप्लीकेशन प्रमोट करी थी। आपको क्या लगता है, मुझे सिर्फ आप लोगों का व्यू जानना है। ये वीडियो सिंपली मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों का व्यू जानना है कि ये एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि थीम, जिस भी लोगों को ये थीम समझ आई होगी, थीम के बेसिक पे ही बहुत सारे टेक कम्युनिटी ने भी ये एप्लीकेशन फेमस करी, और जिन लोगों को पेड प्रमोशन नहीं मिला, जो छोटे मोटे चैनल हैं मेरी तरह, उन्होंने भी एप्लीकेशन प्रमोट करी। बट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, इसलिए किसी को डाउट नहीं हुआ, बट ये एप्लीकेशन सेम इंटरफेस के साथ इतनी सारी एप्लीकेशन कैसे हो सकती हैं, और ऑफिशियल्स पे इनका जिक्र क्यों नहीं है, बस यही मेरे मन में डाउट है। बाकी एप्लीकेशन पे आउट कर रही हैं, MI वाली भी ट्राई आउट करनी हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ट्राई आउट करनी हो तो ट्राई आउट कर सकते हो। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और मैं बात बोलना चाहूंगा, जब मैं पे आउट कर रहा था एक आध एप्लीकेशन पे, तो ऑफिशियल जैसे पे आउट होता है ना, सेगमेंट जो लिखा होता है कि इस सेगमेंट में पे कर रहे हो, जैसे SK ग्लोबल की तरफ से पेमेंट आ रही है सारी, एक कंपनी की तरफ से SPB DD एप्लीकेशन में, वैसे MI पावर बैंक में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसे भर रहे हो, तो किसी रैंडम Gmail ID क्यों आ रही है, रैंडम नंबर क्यों आ रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही थी। तो सिंपली मैं इस पे वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ी जानकारी मिल सके, अगर मैं थोड़ा सा अनअवेयर हूँ इस कुछ फैक्ट्स को लेके, तो वो क्लियर आउट हो जाए ताकि आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकें। तो बेसिकली थोड़ा सा मेरे मन में डाउट था, तो इसलिए मैंने वीडियो क्रिएट करी इस एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो सेम इंटरफेस और सेम थीम के साथ है, और कई में ये दिखा रहा है कि डाटा सिक्योर नहीं है, और एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करो डिवाइस में। तो सिंपली मैं इसलिए पूछना चाह रहा था। बाकी मैंने लगभग 10 दिन में 10,000 से ज्यादा रुपए अर्न करे SPB DD एप्लीकेशन के जरिए, जिसका पेमेंट प्रूफ मैंने इंस्टाग्राम पे डेली रूटीन वाइज डाला है, चेकआउट करना हो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली यही है, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना, जो भी SPB DD एप्लीकेशन में जिसने भी इन्वेस्टमेंट करी है मेरे कहने पे, अपना ओपिनियन जरूर देना, किसी ने भी विड्रॉ करा हो मेरे अलावा तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं एक्सप्लोर मोर। कभी कभी वीडियो में सिंपली इस मेरे मन में जो डाउट होते हैं उसको क्लियर आउट करने के लिए भी वीडियो क्रिएट कर लेता हूँ, तो ये वीडियो उनमें से ही है। इसमें कोई नई एप्लीकेशन नहीं बताई आप लोगों को, बट सिंपली अवेयर करना चाहता, जानकारी देना चाहता, जितने मेरे दिल में जो बात थी वो क्लियर आउट करना चाहता था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते एक्सप्लोर मोर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर बिल्कुल नहीं हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और थोड़ा बहुत टाइम हो तो हमारी वॉकलाइन की प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपको चलने के पैसे देती हैं, रिवॉर्ड देती हैं, नहीं चेकआउट करी तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद।